हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभुनाथ। आज हम दोस्तों बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि मंडुआडी रेलवे स्टेशन पहले था, अब बनारस रेलवे स्टेशन बन गया है। आज हम दोस्तों यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के लिए आपको लाए हैं। यहाँ दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत मॉडल लगा हुआ है इंजन का, और स्टेशन भी डेवलप हो चुका है जैसा कि देख पा रहे हैं। लाइक ए एयरपोर्ट, ये स्टेशन नहीं एयरपोर्ट के जैसे, डेवलप सिटी, डेवलप एयरपोर्ट, डेवलप स्टेशन कहेंगे दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इधर फवारा वगैरह भी गजब का बन गया है दोस्तों, यदि आप आएंगे तो सच में देखने लायक जगह है। आइए और बनारस का लुत्फ उठा के जाइए दोस्तों। हमारे पीछे हमारे भारत की तिरंगा लहराता हुआ देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रभुनाथ और मैं आज आपको लेकर आया हूँ बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मंडुआडी रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब उसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया, जो कि अब बहुत ही खूबसूरत बनाया। अभी हाल ही में बनारस में सबसे पहले नंबर पर ये रेलवे स्टेशन खूबसूरती और सफाई के मामले में सबसे पहले नंबर पर है, बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मंडुआडी रेलवे स्टेशन होके अब बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो भारत के यूपी स्टेट के वाराणसी के मंडुआडी क्षेत्र में स्थित ये है दोस्तों स्टेशन, और ये वाराणसी का एक टर्मिनल स्टेशन भी हो चुका है, जो कि वाराणसी जंक्शन पर भारी भीड़, वाराणसी स्टेशन कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ होने के कारण दोस्तों यहाँ इस रेलवे स्टेशन को उच्च सुविधा वाला टर्मिनल के रूप में विकसित कर दिया गया दोस्तों हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन पर भारत का ध्वज फहराया गया दोस्तों। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दोस्तों आने वाला यह स्टेशन वाराणसी जंक्शन के समीप यहाँ से होकर प्रयागराज तक जाता है दोस्तों। के इतिहास की बात करें बनारस रेलवे स्टेशन की, तो दोस्तों इलाहाबाद मऊ गोरखपुर दोस्तों इसका मुख्य रेल मार्ग था, और दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों 1899 में से 1913 के बीच बंगाल और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दोस्तों 1000 मिमी मतलब कि चौड़े मीटर गेज के छोटी लाइन का मीटर गेज का बनाया गया था, और दोस्तों इसे 1993 से 1994 में बदल कर इसके ब्रॉड गेज कर दिया गया दोस्तों। हिंदुस्तान ने दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल ने जो कि मुद्दा उठाया था कि मंडुआडी को बनारस बना दिया जाए, जो कि अभी भी 8 बज रहे हैं, एकदम लाइक एयरपोर्ट मॉडल, डेवलप सिटी, डेवलप बनारस, डेवलप सिटी, भाई लव ए बनारस, ये अपने इंडिया के तिरंगा सच देख पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है। कोड हो गया है, ये देख सकते हैं जैसा कि पैनल बोर्ड पे ये सारे ट्रेनें चल रही हैं, शिवगंगा एक्सप्रेस, बीएसबीएस दिल्ली, नई दिल्ली, चिरंजीवी एक्सप्रेस दोस्तों, लाइक एयरपोर्ट। अभी अंदर चलेंगे हम लोग, अभी बाहर के व्यू ले रहे हैं, जैसा कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग रहा है, और इसके साथ सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और पीछे कुछ बिल्डिंग है देख सकते हैं, देखिए जैसा कि एकदम एयरपोर्ट की जैसा, बस देख लीजिए चमक रहा है,
आइए अंदर चलते हैं। हाय, बहुत ही खूबसूरत भाई देख पा रहे हैं आप लोग, लाइटिंग एकदम एयरपोर्ट की जैसा बन गया है। आइए इधर यात्रियों के बैठने की जगह भी बनी हुई, बहुत गजब है। फाउंटेन जिसमें शिव और पार्वती जी का फोटो बना हुआ है त्रिशूल के साथ, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी मॉडलिंग भाई, जिसमें शेर को भी और बनारस के कुछ दृश्य यहाँ देख सकते हैं आप भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये इधर शिव जी हैं और बीच में फवारा है लाइटिंग के साथ। उधर भाई ये जो मॉडलिंग किया हुआ है, ये पूरा इसका ब्यौरा यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं। लाइटिंग है भाई, ये बनारस के कुछ, हमारे बनारस में कई सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो सारा मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा, ये देखो भाई एकदम एयरपोर्ट ही जैसा बन गया है। एटीएम है इधर बगल में, एकदम शीशा वगैरह लगा हुआ भाई, एकदम सुंदर। ऊपर देख सकते हैं ये लोगों के बैठने की जगह, उधर ट्रेन रुका हुआ है। ये पेंटिंग बना हुआ है, बहुत ही गजब पेंटिंग है, बाबा जी हैं, नेक्स्ट पेंटिंग है, नेक्स्ट पेंटिंग दोस्तों। पूरे चार प्लेटफॉर्म हैं, पहले कम थे, एक दो थे, लेकिन प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया भाई। देख सकते हैं यहाँ का व्यू गजब का लग रहा है बनारस, जो कि मनुवाडी पहले था। अब 15 जुलाई को, बुधवार को, ये हिंदुस्तान की पहल पे, हिंदुस्तान न्यूज चैनल की पहल पे ये हो गया था बनारस भाई। के जब नज़ारा देख लो स्टेशन का, मस्त एकदम, सही में डेवलप सिटी अब लग रहा है भाई इस रेलवे स्टेशन को देखकर, कि नहीं डेवलप सिटी है भाई। देख रहे हैं शौचालय सीढ़ी बाहर जाने हैं तो भाई, सही में डेवलप हो गया अपना बनारस रेलवे स्टेशन भाई। सीढ़ी पे हम चल रहे हैं, भाई इस साइड भी बाहर निकलते समय ये यात्रियों के लिए रुकने के लिए जगह बना, जो कि यहाँ भी एकदम गजब का भाई पेंटिंग आप लोग देख पा रहे हैं। ये भी इसका अपना ही अलग ही मीनिंग है, इस पे देख के क्या लिखा है भाई, देख सकते हैं। वरा
फारसी नदी पूर्णिया स्थित, संस्कृत में लिखा भाई, देख सकते हैं। जो संस्कृत समझता हो भाई इसके मतलब जान गया होगा, बाकी मुझे तो भाई उतना संस्कृत नहीं आता, पढ़ लेता हूँ फिलहाल। लाइटिंग एकदम प्रॉपर मस्त एकदम लगा हुआ भाई। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ भी एक मेक इन इंडिया के मोदी जी का जो वो मोदी जी के द्वारा बनाया गया दोस्तों डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग ये डिजिटल शेर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया अपना इंडिया को डिजिटल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है मोदी जी का, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं अपने सामने। ये आपका उर्दू में जैसा कि लोग जानते होंगे बनारस लिखा हुआ है, ये बनारस जो कि मंडुआ डी स्टेशन था बनारस बन गया है। आगे चलते हैं अंदर भाई। जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग मनवाडी रेलवे स्टेशन अब बनारस बन गया है। BS इसका कोड है, इसको जब भी जानेंगे अब बनारस के नाम से जानेंगे दोस्तों। कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी के नाम से और ये बनारस के नाम से दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लाइक एयरपोर्ट दोस्तों, मस्त। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ भी दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ भी एक कहानी लगा हुआ है प्लेटफॉर्म के बारे में है। ये भी एक कहानी बता रहा है अपने में, जो कि इधर आप अनारक्षित खिड़की काउंटर भाई यहाँ के स्टेशन देख लीजिए बनारस स्टेशन जो गाड़ी आ जाएगी सिटी मॉडल बनारस भाई। फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत, फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग दोस्तों तक देख पा रहे। ये आपका रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने फाउंटेन लगा हुआ है बनारस रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल भी कर सकते हैं आप दिन में रात में जिस टाइम भी, तो बैठने के जगह भी बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। हमारे इंडिया की शान, हमारा तिरंगा यहाँ लग रहा था वह दिख पा रहा है, और यहाँ का नजारा भी दोस्तों देखने लायक है। बहुत ही
आइए और यहाँ विजिट जरूर करिए दोस्तों। स्टेशन बनारस मुंडवाड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि अब बनारस रेलवे स्टेशन है।